इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बेरोजगार घूमने वाले भाई लोग जिनको किसी भी प्रकार का काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, कोरोना काल में या जिनकी जॉब छूट गई है और वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके घर से उनकी देवियां माताएं, उनकी पत्नी या बहन जो भी कोई सुन पा रहे हैं, तो आप अपने भाई और पुत्र या अपने पति को ये सूचना दे दीजिएगा। उसके लिए एक बड़ा सरल उपाय है, वो ये है कि रविवार का व्रत। रविवार का व्रत किस प्रकार से किया जाए? शनिवार की रात्रि को आपको जमीन पर सोना है, रविवार को सूर्य उदित होने से 2 घंटे पहले जागना है। स्नान निवृत्त कर्म से निवृत्त होते हुए स्नान के तत्पश्चात आपको तांबे के लोटे में कुछ चीजें डालनी है, गंगा जल और जल डालना है, गैया का कच्चा दूध डालना है, लाल चंदन डालना है, उसमें सफेद तिल डालने हैं, दूर्वा डालनी है और लाल ही फूल उसमें डालना है आपको। इतनी ये चीजें मिलाने के तत्पश्चात में फिर आप जाओगे ऐसी जगह पर जहां सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हो और उनको आप उस समय अर्घ दीजिए। अर्घ देने का मंत्र है ओम ह्राम धीम रौम सहा सूर्याय नमः। इस मंत्र से अर्घ दे सकते हैं आप और आप सूर्य गायत्री के द्वारा भी आप अर्घ दे सकते हैं। वो इस प्रकार से है, ओम भास्कराय च विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इतना करने के तत्पश्चात वहीं बैठकर सूर्य भगवान के ठीक सामने आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, परिक्रमा जरूर कीजिएगा अर्घ देने के तत्पश्चात। और ये ध्यान रखिएगा कि उस दिन आपको किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाना है, चाहे वो फलार वाला नमक हो और चाहे वो आयोडीन नमक हो, रविवार के दिन आपको नमक खाना नहीं है। भगवान सूर्य के 12 नाम लेकर के आप ये अर्घ दे सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ना भूलिएगा। और इसमें सबसे विशेष बात है ध्यान रखने के लायक, शाम को सूर्यास्त होने से पहले एक बार पुनः भगवान भास्कर की आप आरती उतार करेंगे, उन्हें वंदन और प्रणाम करेंगे। सूर्य अस्त होने से पहले आपको भोजन में मालपुआ लेना है, खीर लेना है, यानी मीठा भोजन लेना है। किसी भी प्रकार की सब्जी नहीं लेनी है आपको, उसमें किसी भी प्रकार का रामरस नहीं लेना है। ये बहुत ज्यादा नहीं तो आप 9 रविवार तक कर दीजिएगा, भगवान भास्कर की कृपा से आपको उपलब्धियां मिल जाएंगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे और आप आनंद मग्न होंगे, बढ़िया से बढ़िया आपको काम मिलेगा भगवान सूर्य की कृपा से। भगवान सूर्य नारायण को आप समझिए वह हैं जो श्री हनुमत लाल जी के गुरु जी हैं। भगवान भास्कर को वंदन प्रणाम करने से ये हमारे संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे भगवान सूर्य जिनसे यह जीव कभी चुपता नहीं हो सकता। आदि देव नमस्तोभ्यम प्रसीदमो भास्कर देवाकर नमस्तोभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। अर्घ आपको रोज देना है, लेकिन हर रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ में भगवान सूर्य नारायण को यदि आप यह अर्घ देते हैं, ये व्रत आप करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको बढ़िया व्यापार मिलेगा, बढ़िया बिजनेस बनेगा, मिलेगा, बढ़िया नौकरी मिलेगी। और इतना ही नहीं, संतान की चाहना करने वाली बहनें यदि इस व्रत को करती हैं तो उनको संतान मिलती है, बेटियां करती हैं उनको सुंदर घरवर प्राप्त होता है, और जो विद्या की कामना से यदि कोई करता है तो उसको निश्चित रूप से विद्या मिलती है। हमारे वेदों में कहा है कि बुद्धि के देवता भगवान सूर्य नारायण है, चंद्रमा मनुष्यो जातक छो सूर्यो अजायत। सूर्य देवता बुद्धि के देवता है। भगवान भास्कर की कृपा से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है। इसलिए सूर्य नारायण भगवान के अर्घ में आप दूर्वा डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी जगह पर अर्घ दीजिए जहां उस पानी के ऊपर किसी के पांव न पड़े, ऐसी शुद्ध जगह पर आप ये अर्घ देते हुए भगवान भास्कर को वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए उनका ये आशीर्वाद दीजिएगा। तो हमने उन भाई लोगों के लिए जो बड़े परेशान है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनको बेरोजगारी बिल्कुल सिर के ऊपर लदी हुई है, तो आप निश्चित रूप से यह विश्वास के साथ कीजिए, भगवान भास्कर आपके रास्ते खोलेंगे। इसी वीडियो में बस इतना सा ही है। वीडियो ठीक लगी हो तो आप इस बारे में शेयर करना ना भूले। चैनल से पहली बार जुड़े आप तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑप्शन ऑल में जाइएगा, और इस चैनल के साथ जुड़ते हुए ऐसे ही आप आगे भी इन वीडियो के क्लब के माध्यम से अपना समाधान आप उसमें खोज सकते हैं। और अगली वीडियो आप बहुत जल्दी ये सुनने वाले हैं कि मातृशक्ति के गर्भ में, भगनियों के गर्भ में जब संतान है, उस समय बढ़िया संतान प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना होगा, आप प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी आपको ये वीडियो सुनने को मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम।